हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीमर्स पर। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं स्पोर्ट्स वेन्यू लिस्ट ले गया हूँ इस वीडियो में, और इसमें हम देखेंगे कि जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, इनकी चैंपियनशिप होती है, फिर वर्ल्ड कप होते हैं, उनके वेन्यू कहाँ कहाँ पे है फ्यूचर में आने वाले एग्जाम्स के लिए, और जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं उनकी भी एक बार हम इसमें रिवाइज उसको कर लेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहे। और दोस्तों, एक एक रिक्वेस्ट और है, इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, समर ओलंपिक गेम्स, उनको देख लेते हैं, क्योंकि जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए हैं, वे हमारे पास्ट में या फिर फ्यूचर में कहाँ पे होंगे, हम इस वीडियो में देख लेंगे। जो 2016 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, वो हुए थे रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। ये आपको पता भी होगा, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, यानी कि जो रियो डी जेनेरियो है ये एक सिटी है ब्राजील की। तो जो 2016 के ओलंपिक समर ओलंपिक गेम्स हुए थे वे ब्राजील में हुए थे, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अब चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यानी कि फ्यूचर में आने वाले जो ओलंपिक गेम्स होंगे वे कहाँ पे होंगे? जो 2020 के जो ओलंपिक होंगे, समर ओलंपिक गेम्स, वे होंगे टोक्यो में, जो कि जापान की कैपिटल है। 2020 के टोक्यो में होंगे। और जो 2024 के होंगे सर, वे पेरिस में होंगे, फ्रांस के पेरिस में। जो 2024 के समर ओलंपिक गेम्स होंगे वे उसमें होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं वहां पे कौन से हमारे वे हैं। जो 2028 के जो समर ओलंपिक्स होंगे वो लॉस एंजलिस में होंगे, यानी कि यूएस में होंगे 2028 के। अब नीचे आ जाते हैं, अब देखते हैं विंटर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स प्रीवियस जो ईयर गए हैं उसमें कहाँ पे हुए हैं, और फ्यूचर में आने वाले जो विंटर ओलंपिक्स है वे कहाँ पे होंगे? जो 2014 के जो ओलंपिक हुए थे विंटर, वे सोची में हुए थे, रसिया के। इसको आप देख लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो ओलंपिक है, जो 2018 के जो ओलंपिक हुए थे विंटर, वे पेंगयांग चेंग में हुए थे, साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया के कहां पे हुए थे? पेयोंग चेंग में, 2018 के विंटर ओलंपिक। अब देखते हैं नेक्स्ट, 2022 में कहां होने वाले हैं विंटर ओलंपिक? बीजिंग में, यानी कि चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, उसमें 2022 के विंटर ओलंपिक खेले जाएंगे। इसको आप याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है सर सभी। अब चलते हैं 2026 के जो विंटर ओलंपिक खेल होंगे, वे मिलान और कोर्टिना में होंगे, इटली के। इटली के दो सिटी है मिलान और कोर्टिना, इन दोनों में 2026 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वे खेले जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, गेम्स रिलेटेड कोई ना कोई सा क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, और जो होस्ट सिटी होती है या फिर होस्ट कंट्री होती है उनसे रिलेटेड जरूर आता है कि फ्यूचर में ये वाला गेम कहाँ पे होस्ट किया जाएगा या फिर कहाँ पे खेला जाएगा, किस कंट्री में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं आगे आ जाते हैं। समर पैरालंपिक, पैरालंपिक में क्या होता है कि जैसे जो दिव्यांग बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं, उनके ओलंपिक भी होते हैं, आपने देखा भी होगा। देखते हैं वे कहाँ पे हुए थे। तो 2016 के जो समर पैरालंपिक हुए थे वो रियो डी जेनेरियो में होती है, ब्राजील की, यानी कि जहाँ पे समर ओलंपिक हुआ था वहीं पे पैरालंपिक हुए थे इसके, 2016 के, दोनों सेम है ये। अब देखते हैं आगे, जो 2020 के जो हो गए जो पैरालंपिक हो गए वो भी टोक्यो जापान में होंगे, और जो समर ओलंपिक होंगे वे भी जापान के टोक्यो में होंगे, यानी कि दोनों पैरालंपिक 2020 के और जो समर ओलंपिक होंगे 2020 के, ये भी टोक्यो में होंगे जापान की। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो 2024 के पैरालंपिक होंगे वो हो जाएंगे पेरिस में, यानी कि फ्रांस के पेरिस में 2024 के पैरालंपिक हो जाएंगे, इसको आप याद रखेंगे। और जो 2028 के जो पैरालंपिक होंगे वो यूएसए के लॉस एंजलिस में हो जाएंगे। तो आप इसको एक चीज मान सकते हो, जैसे कि आप समर, केवल आप समर ओलंपिक याद कर ले, और जो जहाँ पे समर ओलंपिक होती है वहीं पे पैरालंपिक खेले जाते हैं हर एक कंट्री में जो होस्ट कंट्री होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट उस पे। अब आ जाते हैं विंटर पैरोलंपिक पे। अभी हमने जो पढ़े हैं वे समर पैरोलंपिक थे, अब पढ़ेंगे हम विंटर पैरोलंपिक में के बारे में। जो 2018 के पैरोलंपिक हुए थे विंटर, वो पेयोंग चेंग में हुए थे साउथ कोरिया के, 2018 के विंटर पैरा ओलंपिक। अब देख लेते हैं 2022 के कहाँ पे होंगे। तो 2022 के विंटर पैरोलंपिक होगी वो चाइना के बीजिंग में खेले जाएंगे 2022 के, आप इसको याद रखेंगे। अब देख लेते हैं कि 2026 के कहाँ पे होंगे, मिलान एंड कोर्टिना में। 2026 के जो विंटर पैरोलंपिक होंगे वो मिलान और कोर्टिना के इटली में होंगे, इटली के मिलान और कोर्टिना में खेले जाएंगे 2026 के विंटर पैरोलंपिक। अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट गेम कौन से हैं, कॉमनवेल्थ गेम पे आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे जरूर क्वेश्चन जरूर बनेगा, आप इसको याद कर ले। कॉमनवेल्थ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में। जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, जो कहाँ पे होस्ट किए गए थे, न्यू दिल्ली इंडिया में 2010 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बन जाता है। ये सबसे पहले जो भारत में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, 2010 में हुए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो 2014 के हुए थे वो ग्लासगो में हुए थे, स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए थे 2014 के। चलते हैं नेक्स्ट पे, जो 2018 के कॉमनवेल्थ हुए थे वे हुए थे क्वींसलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में 2018 के। दोस्तों ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी जहां पे कंबाइंड बताया गया हो सभी होस्ट, जो होस्ट कंट्री होती है किसी भी ओलंपिक की, या फिर जो समर ओलंपिक पैरोलंपिक जो भी है, आपको इसी वीडियो में सभी होस्ट कंट्री मिल जाएगी। अब देखते हैं कि 2022 के कहां पे होंगे, जो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो बर्मिंघम में होंगे, इंग्लैंड के, इंग्लैंड के बर्मिंघम में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एशियन गेम्स पे आ जाते हैं। एशियन गेम्स के से भी क्वेश्चन बनते हैं। 2014 के जो एशियन गेम्स हुए थे वे कहां पे हुए थे, इंचोंग में साउथ कोरिया के, साउथ कोरिया के इंचोंग में हुए थे 2014 के। चलते हैं नेक्स्ट पे, 2018 के कहां पे हुए थे एशियन गेम्स, जकार्ता और प्लेमबैंग इंडोनेशिया के, इंडोनेशिया के जकार्ता और प्लेमबैंग में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है आपके लिए, प्लीज इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। और दोस्तों अगर आपको कोई लगता है कि इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। अब चलते हैं 2022 के जो एशियन गेम होंगे वो हैंगजो में, चाइना के हैंगजो में होंगे, तो इसको आप याद कर लेंगे 2022 के कहां पे होंगे, हैंगजो में, चाइना के हैंगजो में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 2026, तो 2026 के जो एशियन गेम होंगे वो नगोया जापान के, जापान के नगोया में खेले जाएंगे 2026 के। चलते हैं नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप पे आ जाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, तो इससे भी हम पढ़ेंगे कि कौन से प्रीवियस जो फीफा होस्ट कंट्री थी वे कौन सी थी, और जो नेक्स्ट जो फ्यूचर में होने वाले हैं वे कौन सी कंट्री होगी। जो 2014 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो ब्राजील में हुआ था, आपको ये याद भी होगा। 2018 में कहाँ पे हुआ था, रसिया में, 2018 में फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था वो रसिया में हुआ था। और जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा वो कतर में खेला जाएगा, कतर एक गल्फ कंट्री है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। चलते 2026 के देखते हैं, 2026 के कहाँ कहाँ पे खेले जाएंगे, कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट, यानी कि तीन कंट्री में खेले जाएंगे कंबाइन में 2026 के जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 में वो यहाँ पे खेला जाएगा। अब नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप पे चलते हैं, यानी कि 2026 के बाद कहाँ पे खेले जाएंगे वो भी देख लेते हैं। 2026 के बाद वो फ्यूचर में आप बता देंगे कि कौन कौन कहाँ पे खेले जाएंगे। अब देखते हैं वुमेन फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे खेले जाएंगे, क्योंकि वुमेन से भी आते हैं। जो 2015 का वुमेन फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कनाडा में हुआ था, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। 2015 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कनाडा में। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर पे, जो 2019 का जो वुमेन फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, इसको आप याद रखेंगे, वुमेन के भी आ जाता है। 2019 में कहाँ हुआ है, फ्रांस में वुमेन फीफा वर्ल्ड कप। अब आ जाते हैं आपके फेवरेट गेम्स पे, जो कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से है। जो 2015 का जो
वर्ल्ड कप खेला गया था वो मेलबोर्न में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के। अब चलते हैं नेक्स्ट होस्ट कंट्री पे, तो 2019 का जो वर्ल्ड कप खेला गया है वो इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था, आपके याद भी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो 2023 का वर्ल्ड कप खेला जाएगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि मेन का है, वो 2023 में इंडिया में खेला जाएगा। आप इसको याद रखेंगे, 2023 में इंडिया में खेला जाएगा, आपको याद भी होगा। अब देख लेते हैं आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो 2017 का वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था आईसीसी, वो लंदन में खेला गया था और इंग्लैंड में, इंग्लैंड और लंदन में खेला गया था 2017 का। और जो 2021 का खेला जाएगा वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो 2021 में न्यूजीलैंड में खेला जाएगा, इसको याद रखेंगे, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड। अब आ जाते हैं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जो 2016 में खेला गया था T20 वर्ल्ड कप, वो इंडिया में खेला गया था, और जो अब नेक्स्ट ईयर खेला जाएगा, आप पूरे एक्साइटेड होंगे इस गेम को देखने के लिए, 2020 में जो खेला जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से आ सकता है, जो 2020 में खेला जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। और जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा वो इंडिया में खेला जाएगा, ये भी बन जाता है, यानी कि 16 का और 21 का जो खेला जाएगा इंडिया, 16 का तो खेल लिया गया इंडिया में, और जो 2021 का खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप वो इंडिया में खेला जाएगा। अब आईसीसी T20 पे आ जाते हैं वुमेन के, यानी कि वुमेन के जो T20 वर्ल्ड कप हुए अभी कहाँ पे हुए हैं और फ्यूचर में आने वाले कहाँ पे होंगे। जो 2018 का वर्ल्ड कप खेला गया था वुमेन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, वो वेस्ट इंडीज में खेला गया था, और जो 2020 का खेला जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जाएगा, जहाँ पे मैन का होगा वहीं पे वुमेन का होगा T20 वर्ल्ड कप। और जो 2022 का खेला जाएगा वो साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप वुमेन का, इसको आप याद रखेंगे। अब जाते हैं वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप, वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप में देख लेते हैं, जो 2010 का खेला गया था वो रसोरियो और अर्जेंटीना में खेला गया था 2010 का वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप। जो 2014 का खेला गया था वो द हेग और नीदरलैंड में खेला गया था, नीदरलैंड के द हेग में खेला गया था 2014 का वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप। अब आ जाते हैं 2018, जो 2018 में खेला गया है वो ली वैली में खेला गया है लंदन के हॉकी वर्ल्ड कप वुमेन का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप खेले जाएंगे उनको देख लेते हैं एक बार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। जो 2010 का जो मेन हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया था वो न्यू दिल्ली में खेला गया था, अब देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेला गया है हॉकी का मेंस का किस कंट्री में खेला गया है 2010 के बाद। जो 2010 के बाद हुआ था वो 2014 में हुआ था नीदरलैंड के द हेग में, इसको आप याद कर लेंगे। जो 2018 खेला गया है वो कलिंगा स्टेडियम में खेला गया है भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया है 2018 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अब देख लेते हैं ITTF टेबल टेनिस वर्ल्ड कप, टेनिस वर्ल्ड कप देख लेते हैं कि कौन से कहाँ पे खेले गए हैं। ITTF टेबल टेनिस वर्ल्ड कप जो 2015 का खेला गया था ITTF टेबल टेनिस वर्ल्ड कप, वो दुबई में खेला गया था यूएई के दुबई में खेला गया था 2015 में। अब देखते हैं नेक्स्ट में कहाँ खेला गया है ITTF, जो ITTF जो वर्ल्ड कप खेला गया है वो 2018 में लंदन में खेला गया है, और जो 2019 का है वो टोक्यो में है, 2019 का टोक्यो में जापान के। अब देख लेते हैं IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स, IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप टेप इन एथलेटिक्स में देख लेते हैं, जो 2017 का खेला गया था वो लंदन यूनाइटेड किंग में खेला गया था, लंदन में खेला गया था 2017 का IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब देख लेते हैं 2019 में जो खेला गया है वो दोहा में खेला गया कतर के IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 का, और जो 2021 का खेला जाएगा वो यूजीन यूनाइटेड स्टेट के यूजीन में खेला जाएगा 2021 का IAAF वर्ल्ड कप। अब देख लेते हैं मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, बॉक्सिंग में आ जाते हैं। अब 2017 की जो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी वो हैमबर्ग में हुई थी, जर्मनी के हैमबर्ग में 2017 की।
अब जो 2019 की हुई है वो रसिया के सोची में हुई है, वो मैन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई है 2019 की वो रसिया के सोची में हुई है, और जो 2021 की खेली जाएगी वो इंडिया में खेली जाएगी न्यू दिल्ली में। अब आ जाते हैं मैन वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो 2018 की खेली गई थी वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वो न्यू दिल्ली में खेली गई थी इंडिया की, और जो 2019 में खेली गई है वो ट्रैप जोन में खेली गई है तुर्की की वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में। अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट खेली जाएगी। अब आ जाते हैं नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में, नेशनल गेम्स कहाँ पे खेले जाएंगे, 2018 कहाँ खेले गए थे, 36 जो नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया थे विच गोवा में खेले गए थे 2018 की, और जो 2019 के खेले गए थे वो छत्तीसगढ़ में खेले गए थे नेशनल गेम्स, जो कि 37वें थे। जो 2021 के खेले जाएंगे नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में वो उत्तराखंड में खेले जाएंगे, जो कि 38 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे 2021 में खेले जाएंगे, और जो 2022 में खेले जाएंगे वो मेघालय में खेलेंगे, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है भारत का, जो कि 39th नेशनल गेम्स होंगे जो 2022 में मेघालय में खेले जाएंगे। अब आ जाते हैं एशिया कप पे, जो एशिया कप खेला गया था 2016 में वो बांग्लादेश में खेला गया था, और जो 2018 का खेला गया है वो यूएई में खेला गया है एशिया कप, और जो 2022 का है वो पाकिस्तान में खेले जाएगा एशिया कप, इसको आप याद कर लेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट भी करें इस वीडियो पर, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और दोस्तों प्लीज कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या गलत लगा, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ड्रीमर्स, थैंक यू सो मच।